दौराई क्षेत्र में हुई महिला की हत्या का अजमेर एसपी ने किया खुलासा, पति को किया गिरफ्तार। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडर्न लेबोरेटरीज, स्पोर्ट अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, बीटेक एमटेक पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या का आज अजमेर एसपी कुमार राष्ट्रदीप द्वारा खुलासा किया गया, जहां इस मामले में महिला के ही पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए अजमेर एसपी कुमार राष्ट्रदीप ने बताया कि 2 नवंबर को खातून बेगम की हत्या हुई थी, जहां इस मामले में मृतक महिला के पति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। वहीं इस मामले में स्पेशल टीम और स्पेशल पुलिस को भी मामले की जाँच सौंपी गई थी। पुलिस ने कई जनों से पूछताछ के बाद महिला के पति आशिक अली को ही शक के आधार पर पूछताछ की गई और कड़ी मशक्कत के बाद मृतक महिला के पति आशिक अली द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करना कबूल किया गया, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और चोरी किया गया माल भी बरामद किया। वहीं आरोपी आशिक अली ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी के अन्य संबंधों के कारण उसने अपनी पत्नी की हत्या कर यह पूरी साजिश रची थी। वहीं अब पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करेगी। और देखिए, 2 तारीख को आज से 4 दिन पहले मॉर्निंग में एक डेड बॉडी मिली थी खातूना बेगम नाम की महिला की, जिसके संबंध में उसके पति आशिक अली ने एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसने बताया कि मैं रात में कहीं घर से बाहर गया हुआ था अपने पिताजी से मिलने के लिए, और सुबह जब मैं आया तब मैंने देखा कि मेरी पत्नी जो है उसके सर पर चोट लगी हुई थी और बहुत ही घायल अवस्था में घर पर पड़ी हुई थी, जबकि घर का कुछ सामान, उसके गहने और अन्य चीज़ें जो थी उनकी चोरी की जा चुकी थी। मौके पर सभी आला अधिकारी पहुंचे और उसी दिन वहां पर जांच शुरू की गई। जांच में लगातार बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया, इंटरोगेट किया गया, जो भी संभावित लोग हो सकते थे, जो भी इस महिला को जानते थे, जो उसके पति को जानते थे, उनसे बहुत विस्तार से अनुसंधान किया गया। अनुसंधान करने की प्रोसेस में 2 दिन बाद ही शक की सुई जो है वो मृतका के पति की तरफ जाना शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि पुलिस के पास में बहुत ही स्पष्ट कुछ चीज़ें नहीं थी, इसलिए पुलिस उस समय कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। आज पूरे अनुसंधान को क्लियर करने के बाद में, और CO साउथ हो गए, SHO आदर्श नगर हो गए, SHO रामगंज हो गए, और SHO क्लॉक टावर हो गए, इन सभी के मेहनत से, स्पेशल टीम के प्रयासों से, इन सब ने मिल करके वो सारे तथ्य एकत्र कर लिए, और उसके बाद में ये जो मृतका का पति है उसे डिटेल में इंटरोगेशन किया गया। उसके साथ में साइकोलॉजिकली हर बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछ करके, उसकी लोकेशंस को एग्जामिन करके, बहुत सारे अनुसंधान के बाद में ये स्पष्ट हुआ कि इस घटना को करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं मृतका का पति ही था, जो कि अपनी पत्नी पर किसी अन्य से संबंध होने को लेकर के शक करता था, और उस शक के बेसिस पर ही इसके बीच में लगातार दोनों के बीच संबंध खराब चल रहे थे और बार बार इस बात को लेकर के डिस्प्यूट होते रहते थे, जो डिस्प्यूट इतना बढ़ गए कि उस दिन मॉर्निंग में इसने इसको गला दबा करके मार दिया, और उसके बाद में जो भी उसके गहने थे उन सभी को गायब कर दिया, ताकि वो पुलिस को ये बता पाए कि मेरे घर में एक लूट की घटना हुई जिसमें कि मेरी पत्नी के ऊपर हमला किया गया। पूरे अनुसंधान के बाद में, चीज़ों को क्लियर करने के बाद में, उसके पति को, आशिक अली को, आज गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल अकेला ही है, अकेला ही इसने वारदात की है, और वारदात इसने जो मैंने वजह बताई उसी वजह से, लगातार इनके बीच जो डिस्प्यूट चल रहा था उस डिस्प्यूट से ही बात यहाँ तक पहुँची कि उसने उसको मर्डर कर दिया।